हेलो एवरीवान द डिफरेंस बिटवीन साइकिल एंड बाइसिकल बहुत बार आपने सुना होगा अक्सर सुना होगा हम जनरल या फिर डे टू डे लाइफ में डे टू डे यूज़ में यही कहते हैं कि मैं आज साइकिल चलाने जा रहा हूँ यार आज एक साइकिल खरीदने का मन हो रहा है यानी कि मैं आज साइकिल खरीदने के लिए जा रहा हूँ वी ऑफन यूज दिस वर्ड साइकिल बट वी लिटरली डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन साइकिल एंड बाइसिकल साइकिल और बाइसिकल के बीच में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है और जब आप डेफिनेशन जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि हां मैं साइकिल और बाइसिकल के बीच में लिटरली कंफ्यूज था तो साइकिल का बेसिकली मतलब होता है रोटेशंस एंड रिवोल्यूशंस इन द गिवन टाइम अब हम टाइम को अगर हटा दें फिर भी वो रोटेशंस एंड रिवॉल्यूशंस तो हो ही रहा है हमने बोला कि चार मिनट में आपको एक हजार रोटेशंस करनी है लेकिन अगर मैं वही चीज़ को बोल दूँ पाँच मिनट छः मिनट दस मिनट बीस मिनट एक घंटे दो घंटे रोटेशन्स आपके वही चार हज़ार ही रहेंगे तो क्या एक हज़ार ही रहेंगे दो हज़ार ही रहेंगे जितने भी रहेंगे तो क्या उसमें से रोटे क्या उसमें रोटेशंस एंड रिवोल्यूशन पे कोई फ़र्क पड़ा तो जी नहीं तो रोटेशंस एंड रिवॉल्यूशन बेसिकली साइकिल का मतलब था एक साइकिल कंप्लीट होना यानी कि अगर हम ह्यूमन में भी देखें तो पहले एक न्यू बॉर्न बेबी न्यू बॉर्न बेबी होता है फिर चाइल्ड होता है उसके बाद फिर एडल्ट बनता है फिर उसके बाद फिर एक यंग यंग बॉय बनता है उसके बाद फिर पहले बॉय बनता है उसके बाद फिर यंग बॉय बनता है फिर एडल्ट बनता है उसके बाद फिर मैन बनता है उसके बाद फिर ओल्ड होता है उसके बाद तो फिर मर जाता है तो एक साइकिल कंप्लीट होती है इस तरीके की तो इसको हम कहते हैं साइकिल लेकिन बाइसिकल क्या होती है बाइसिकल वो चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं जो चीज़ ह्यूमन पावर से चलाई जाती है जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी चीज़ में अगर आप ह्यूमन पावर दे रहे हैं आप ऐसा भी नहीं किसी भी। मैंने बोला कि आपसे से ह्यूमन पावर आप किसी भी चीज़ को दे आप चाहे चक्की चला रहे हैं ऐसे करके तो क्या वो आप उसको बाइसिकल बोलेंगे जी नहीं बाइसिकल टर्म आप अच्छे से जानते हैं कि हम बाइसिकल किसे कहते हैं बाई मतलब होता है टू इसमें से कि टू पेडल्स इंस्टॉल रहते हैं अब टू पेडल्स अगर आपको किसी और नाव में भी आपको दो पेडल मिलते हैं तो क्या आप बाइसिकल चला रहे हैं जी नहीं बाइसिकल बेसिकली उसमें आ गया साइकिल शब्द का यानी कि रोटेशंस एंड इवोल्यूशंस आपकी बाइसिकल की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रोटेशंस कितने टाइम पर वो रोटेशंस कंप्लीट होंगे लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि बाइसिकल और साइकिल वर्ड कहीं ना कहीं मैच करते हैं और वो कैसे मैच करते हैं वो ऐसे मैच करते हैं कि बाइसिकल भी इन द सेंस साइकिल को कंप्लीट कर रही है यानी कि वो गिवन टाइम पर आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हुए वो रोटेशंस को कंप्लीट कर रही है तो अगर हम यूज़ करें बिकॉज हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर साइकिल वर्ड का ऑफन यूज़ किया जाता है बहुत बार यूज़ किया जाता है बाइसिकल वर्ड का यूज़ ही नहीं किया जाता लेकिन अगर हम कोई ग्रैंड शॉप में जाएँ तो वहां पर साइकिल बोलना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा वहां पर हम बाइसिकल वर्ड का ही यूज़ करेंगे और बाइसिकल वर्ड को ही हम आगे प्रोनाउंस करेंगे अगर हम कोई बाइसिकल को परचेस करने के लिए जा रहे हैं अगर आपसे बोलूं कि आप कहां हैं तो आप यही बोलेंगे कि मैं बाइसिकल परचेस कर रहा हूं परचेज करने जा रहा हूँ ना कि मैं साइकिल परचेस कर रहा हूँ तो साइकिल क्या होता है रोटेशंस एंड रिवोल्यूशंस इन द गिवन टाइम और इन दैट मीन टाइम और बाइसिकल मतलब जो ह्यूमन पावर रहती है जो इसमें दो पेडल रहते हैं जिसमें आपको पेडल में पावर को डिलीवर करना होता है एंड तब जाके वो ऑब्जेक्ट या फिर वो चीज़ आगे की तरफ मूव करती है तो उसे हम बाइसिकल कहते हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि बाइसिकल क्या होती है जो हम मैंने साइकिल की वीडियो डाली थी उसी को हम लोग बाइसिकल कहते हैं ना कि उसे हम साइकिल कहते हैं तो होप सो डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि गाड़ियों के इंजन के अंदर जो रोटेशंस होते हैं जो पिस्टन्स के रिंग्स का जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन्स होते हैं और जो उसके मूवमेंट होता है उसको भी हम साइकिल कहते हैं उसमें भी हम अपने रेस जितनी रेस देंगे तो जो पिस्टन है उतनी तेज तेजी से ऊपर नीचे होंगे लेकिन अगर हम कम करेंगे तो वो कम धीमे धीमे ऊपर नीचे होंगे उसी प्रकार हम साइकिल में भी यही है करते हैं जिसको हम बाइसिकल कहते हैं उसमें भी हम ह्यूमन पावर यानी कि हम अपनी मैन पावर लगाते हैं उसमें और उसकी स्पीड जो है हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम कितनी स्पीड में उस चीज़ को चला रहे हैं तो बेसिकली बाइसिकल और साइकिल कहीं ना कहीं मैच करती है लेकिन ये जो दोनों टर्म है ये एक दूसरे से अलग हैं ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लव यू ऑल गाइस बाय टेक केयर